हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्किन से रिलेटेड वीडियो कि हमें एम कैफीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विंटर में यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे विदाउट स्किप किए। और अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है लास्ट तक, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है स्किन से रिलेटेड वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी स्किन को लेकर के, फेस स्पेशली फेस स्किन को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। एवरी वेदर, चाहे वो समर हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे विंटर हो, हर एक सीजन में हमारा फेस का जो स्किन है वो बहुत ही अलग फंक्शन करता है। समर्स में हमारी स्किन जो है टैन होने लगती है, ऑयली होती है, इसके अलावा बिल्कुल भी जहान सी नहीं बचती। जैसे अगर मैं हिंदी वर्ड में एक डिफाइन करूं तो ऐसी रेनी सीजन में अलग डिफाइन होता है, और विंटर में हमारा जो फेस जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी डल होने लगता है, पफिनेस आने लगती है, हमारी स्किन में व्हाइट व्हाइट से पैचेस होने लग जाते हैं, बिल्कुल व्हाइट सफेद सफेद से धब्बे, बहुत जल्दी मॉइस्चराइजर खत्म होने लगता है। तो इस तरह से हमारी स्किन जो है विंटर में वर्क करती है। तो विंटर में हमारे फेस स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि एम कैफीन के प्रोडक्ट्स हमें विंटर में यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम कैफीन है क्या। तो एम कैफीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी से रिलेटेड, बॉडी स्क्रबिंग, बॉडी पॉलिशिंग, फेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फेस वॉश, फेस स्क्रब, मास्क, मॉइस्चराइजर, सब तरह के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो कॉफी में हो, चाहे वो ग्रीन टी में हो। क्या हमें विंटर्स में यूज करने चाहिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। चल मैं सबसे पहले बता दूं, एम कैफीन 100% वेगन है, नेट एंड रॉ प्रोडक्ट से बनता है। बात करने वाली हूँ एम कैफीन के नेट एंड रॉ कॉफी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और स्क्रब। ये तीनों प्रोडक्ट्स मैं आज मैं बात करने वाली हूँ और उनके बेनिफिट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम कैफीन के नेट एंड रॉ कॉफी फेस वॉश की। कॉफी विद व्हाइट वाटर लिली इसका बेनिफिट है। ये कॉफी वाला जो फेस वॉश है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से सुटेबल है। नेट क्वांटिटी जो है वो 100 ml है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम कैफीन के नेट एंड रॉ कॉफी के बारे में, इसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि इस प्रोडक्ट में, इस फेस वॉश में जो है प्योर अरेबिक कॉफी यूज किया गया है कि स्किन को जो है डीप क्लींजिंग किया जाए। और प्योर अरेबिक कॉफी बहुत ही अमेजिंग होती है स्किन को डीप क्लींजिंग करने के लिए, तो इसमें ऐसा प्रोडक्ट यूज किया गया है। सेकेंडली, आपको यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इस साइड पे मेंशन किए हुए मिलेंगे, चाहे वो आपको ट्यूब पे हो, चाहे वो आपके पैकेजिंग पे हो, सब कुछ मेंशन है। कोई भी एनिमल्स की कुछ भी टेस्टिंग नहीं की गई है और SLS फ्री है, FDA प्रूव्ड है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको पीछे की तरफ मेंशन किया गया है। इस तरफ आपको जो है एक्सपायरी डेट तक मेंशन की गई है कि आप कब तक इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, है ना, अमेजिंग वाली बात। इस तरह से यूज करना है। डायरेक्शन टू यूज एम कैफीन नेट एंड रॉ कॉफी फेस वॉश। सबसे पहले आपको अपने फेस, अपने प्लाम पे थोड़ा सा क्वांटिटी निकालना है फेस वॉश का, उसको हल्का सा गीला करना है। नाउ हल्के हाथों से अपने फेस को अच्छे से फेस पे अपने फेस वॉश को लगाना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेस को अपने फेस वॉश से अच्छे से मसाज देना है। देन जेंटली आपको पानी से धो लेना है। इसको आप दिन में 2 बार यूज करें फॉर बेस्ट रिजल्ट। फेस वॉश तो कर लिया, उसके बाद स्क्रब करना बहुत जरूरी है हमारे फेस को। और वो उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज किया गया है, वो सही है या नहीं है, वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। मैं बात करने वाली हूँ वो है एम कैफीन के नेक एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब। कॉफी विद विटामिन ई के बेनिफिट्स के साथ नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, और साथ ही इसका जो नेट क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम्स। एम कैफीन के नेक एंड रॉ फेस स्क्रब में ऐसा क्या है, इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें भी प्योर अर्बेरिक कॉफी फाइनली टेक्सचर्ड में यूज किया गया है टू एक्सफोलिएट योर स्किन जेंटली। इसको यूज कैसे करना है, सिंपल, आपको अपने हाथ को क्लीन रखना है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है स्क्रब को जेंटली और ऑल ओवर, धीरे धीरे अपने नेक एरिया और अपने
चेक एरिया को अच्छे से जेंटली स्क्रब करना है सर्कुलेशन मोशन में। ध्यान रखना कि आईज की एरिया को आपको छोड़ देना है, आईज के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद फॉर 1 मिनट आप इसको जेंटली सर्कुलेशन मोशन में आपको जो है स्क्रब करना है। इसके बाद कोल्ड वाटर में आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। ड्राई होने के बाद हल्का सा एप्लीकेशन करना है लाइट क्रीम या जेल टू क्लोज द ओपन पोर्स। व्हाई कॉफी? अनकैफीनेटेड वाला प्रोडक्ट क्यों यूज किया? तो कॉफी जो है एक्सफोलिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेड सेल्स को, साथ ही साथ पफिनेस को रिड्यूस करता है। कैफीन होता है कॉफी में, हम सभी को पता है, जिससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है और नए सेल्स बनते हैं, साथ के साथ हमारे स्किन को ब्राइटन किया जाता है। बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होगा तो हमारी स्किन अपने आप ही जो है ब्राइट करेगी और नए सेल्स बनने में हेल्प होती है। तो यही रीजन है एम कैफीन के कॉफी इंग्रेडिएंट को यूज करना, इतने सारे बेनिफिट्स है। इस वजह से एम कैफीन जो है रॉ कॉफी यूज करता है, जिससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट रिजल्ट मिल सके हम सबको। तो लास्ट बात कर लेते हैं एम कैफीन नेक एंड रॉ कॉफी मॉइस्चराइजर की, जिसमें हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कॉफी विद एलोरिक एसिड की। 48 आवर्स मॉइस्चराइजेशन रहता है, साथ ही साथ ऑयल फ्री हाइड्रेशन रहता है। इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 50 ml। फेस वॉश कर लिया, फेस स्क्रब कर लिया, नाउ मॉइस्चराइजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है फेस को, और विंटर्स में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इस तरफ से मेंशन किए गए हैं, मतलब एक लाइट मॉइस्चराइजर आप कह सकते हो, तो इस तरह का है। तो आप इसको यूज कर सकते हो दिन में 2 बार। वैसे तो ये 48 आवर्स मॉइस्चराइजर रहने वाला है, स्टे रहने वाला है, इन्होंने जो है मेंशन किया है। और इसके साथ साथ आप इसको बस जरा सा यूज करोगे ना, तो वो बिल्कुल आपका फेस ना बिल्कुल हाइड्रेट रख कर देगा। तो ये मॉइस्चराइजर आपको फेस वॉश और फेस स्क्रब के बाद यूज करना है। एंड इसमें कॉफी जो नेक एंड रॉ कॉफी यूज किया गया है, इसके साथ हाइलुरिक एसिड है। तो हाइलुरिक एसिड के बारे में सबको पता है, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्चराइजर में एक हाइलुरिक एसिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या रोल प्ले कर, इस पे जितने भी रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है हाइलुरिक एसिड। एक स्मूथ फ्लॉलेस स्किन बनाता है, फ्लेक्सिबल स्किन बनाता है। इसके अलावा हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेशन रहता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है हमारी स्किन पे, तो उसको हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, एक हेल्थियर स्किन में कन्वर्ट करने में। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो नेक ड्रॉ कॉफी है और हाइलुरिक एसिड के साथ ये मॉइस्चराइजर आपको मिलता है, बहुत ही अमेजिंग सा, मतलब लाइक मॉइस्चराइजर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एम कैफीन के प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए? डेफिनेटली यस। क्यों? पहले ही मैंने आप लोगों को सब चीजें क्लियर कर दी है पानी की तरह, फिर भी बता देती हूँ 100% वेगन है तो हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और नेक एंड रॉ कॉफी का बड़ा इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉफी के इतने सारे जो है बेनिफिट्स हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, जो सेल्स है उसको रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन से डेड सेल्स और साथ के साथ जितने भी पफिनेस है उन सभी को खत्म करता है। तो इतना अमेजिंग जो है इनके बेनिफिट्स है कॉफी के, तो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए विंटर्स में। जितनी भी हमारी स्किन ड्राई होती है, जितनी भी हमारी स्किन ड्राई रहती है विंटर्स में, तो हाइलुरिक एसिड जो है उसको हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा, साथ के साथ हमारे रिंकल्स और फाइन लाइंस को इम्प्रूव जो है रिड्यूस करके हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स आपको एम कैफीन के प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं, साथ में आपको कॉफी का जो है बेनिफिट्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। इट्स अ बिग थम्स अप टू ट्राई एम कैफीन प्रोडक्ट्स। तो आई होप आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि एम कैफीन के प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इन विंटर्स, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो अभी भी ट्राई नहीं कर रहे। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, आपको 20% ऑफ मिलेगा आपके परचेज ऑर्डर पे, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। मेरे कूपन कोड से मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक भी दे दूंगी, आप वहां पे जाकर खरीद सकते हो, उनके वेबसाइट की लिंक है। आज का वीडियो आई होप सो आप लोग को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा वो ओपिनियन पढ़ करके। इंस्टाग्राम की जो हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहां पर जाकर जरूर फॉलो करें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।